प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपनी पूरी कहानी बताएंगी, अपनी आप भी दी बताएंगी कैसे कोलकाता कोर्ट के बाहर उनके ऊपर लाखों की भीड़ ने हमला किया और क्या था कारण और कैसे उनकी जान बची। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक जूस वाला 2 ML या 3 ML सुसू मिला करके दे रहा था और उसने अपने ढाबे का नाम जो है दुकान का नाम खुशी रखा था। तो इसी मामले को लेकर अच्छा खुशी नाम था उसके ढाबे का। हाँ, बल्कि बजाफते पूरा यूरिन का एक पूरा बॉटल भी पुलिस ऑफिसर ने सीज किया है और उसने खुद एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने कि वो 2 ML 3 ML अपना ही मूत्र जो है वो मिला करके लोगों को देता था। और कितने लोगों ने कहा है कि मैंने तो बहुत बार पिया है इसके यहाँ से जूस वगैरह। तो कावड़ यात्रा को लेकर के जो मसला चल रहा था और जो सर्वोच्च न्यायपालिका में जो बात चल रही थी, और उस वक्त मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दौरे पे थी। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जब दौरे पे थी तो एक न्यूज गैलरी था जो उत्तर प्रदेश का है और एक और न्यूज था 99 खबर, वो दिल्ली बेस्ड है। तो एक कंटेंट मैंने दिया था प्राचीन हनुमान मंदिर डी ब्लॉक कन्नौट प्लेस दिल्ली में, और एक मैंने इंटरव्यू दिया था द न्यूज गैलरी वाला उत्तर प्रदेश में, और कावड़ यात्रा पर ही था। तो उसमें मैंने कहा कि जब मुस्लिम हिंदू नाम हिंदू भगवान के नाम से अपना ढाबा रख सकते हैं तो हिंदू भी मुसलमान के नाम से अपना ढाबा रख लें, इसमें क्या दिक्कत है। और जो न्यायपालिका का जो डिसीजन आएगा उसमें मैंने बहुत सारे मुसलमानों के नाम भी लिए थे। अब उसके बाद तो अढ़ाई महीना बिल्कुल शांति रही थी बिल्कुल, हालांकि ट्वीट भी किया गया था और वो चीजें बहुत मेरे कंटेंट वायरल होते हैं वो वायरल भी हुआ था, लेकिन कंप्लीटली 2-2.5 महीना बिल्कुल शांति रही थी। और उसके बाद फिर अचानक से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में मेरे लिए एक मुहिम चलाई जा रही है कि नाज़िया ने गुस्ताख रसूल किया है तो उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। और पाकिस्तान जिस यूट्यूब चैनल्स पर मैं बैठती हूँ, लोगों ने काफी स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेजा था कि ये देखिए इस तरीके से सब कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में पाकिस्तान में ये चला रहा है मुहिम। मैंने कहा पाकिस्तान में चला रहा है, मुझे क्या लेना देना, मैं तो थूकती हूँ ऐसे ही पाकिस्तान पर, इन जाहिलों से मैं क्यों अपना सर फोड़ूंगी, चला रहा है चलाने दो, बल्कि बोलो और चलाने के लिए, मैंने ये बोल दिया। अब उसके बाद फिर एज ऑफ सडन मुझे दिखा कि फरहाद हकीम, जिन्होंने 2021 में पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को उसी के एंकर को कहा था 2021 के विधानसभा इलेक्शन में कोलकाता के, कि वो कोलकाता को पोर्ट एरिया को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और उसी पोर्ट एरिया से कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रदर्शन और लोग जुड़ जुड़ करके थाना में जा करके मेरे लिए FIR करना स्टार्ट किए, ये किए वो किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने करना स्टार्ट किया, मीटिंग किया जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक्स IPS ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुमायूं कबीर भी थे, और उनके बगल में जबकि वो एक्स IPS ऑफिसर रह चुके हैं और TMC के अभी विधायक है डेबरा से, और उनके बगल में खड़े होकर के एक बंदा कह रहा है कि उसको काट करके हम खुद भी मर जाएंगे लेकिन चलेगा पर उसको काट देंगे, और एक हैंडबिल बटा था, उस हैंडबिल में भी वही था कि मैंने गुस्ताखी रसूल की। अब मैं लेटर्स जो है वो जो NCP क्राइम को सबको भेज रही थी कि भाई मैंने कब किया, मुझे ये तो बता दो कि किया कब। तो उसके बाद फिर सडनली मेरे पास एक नोटिस आता है गार्डन ब्रिज पुलिस स्टेशन से कि आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा है और आपको आकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन बिटवीन जिस दिन उसने मुझे बुलाया था उसी दिन मुझे निकल जाना पड़ा गुजरात के लिए और झारखंड के लिए। तो मैंने एक मेल फिर से कर दिया कि ऐसा ऐसा है कि मैं निकल रही हूँ तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, आप मुझे नेक्स्ट कोई डेट दे दीजिए। तो उसने मेल का रिप्लाई दिया गार्डन रीच पुलिस स्टेशन ने कि वो 5 सितंबर तक छुट्टी पर है
और उसके बाद फिर आप आ जाइएगा। अब इन ड्यूरिंग 5 सितंबर क्या हुआ कि मेरे अगेंस्ट में ये सब कुछ होने लगा, मतलब प्रदर्शन बढ़ गया और ये सब सारी चीजें बढ़ गई। तो मैंने गार्डन रिज पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को मेल किया कि क्योंकि पोर्ट एरिया बहुत ज्यादा थिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है तो मुझे वहां नहीं बुलाइए, आप मुझे डीसी पोर्ट के ऑफिस में बुला लीजिए, डिप्टी कमिश्नर पोर्ट के ऑफिस में बुला लीजिए, या आप मेरे चैम्बर आ जाइए, क्योंकि कानून, नए वाले कानून हमें ऐसे प्रावधान देते हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और आप जहां पर महिला, अगर महिला के ऊपर एफआईआर हुआ है तो आप उसके कंफर्टेबल जगह पर भी जाकर के आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। तो उसी कानून के उसी आधार को लेकर के मैंने उनसे कहा कि आप या तो मेरे चैम्बर आ जाइए या तो आप डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में मुझे बुला लीजिए। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि मेरे एक फर्म में जो एडवोकेट काम करते हैं वो हाई कोर्ट के वकील हैं, मेरे कलीग हैं, उनको फोन आया कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग कब आ रहे हैं नाजिया जी से बात करने के लिए। एंड एज ऑफ सडन मेरे घर के नीचे एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, यहाँ 500 मुसलमान छुपे हुए हैं, वहां 500 मुसलमान छुपे हुए हैं, और पूरा एक अजीब सा माहौल बनाया गया। और फिर सडनली मेरे घर पर तकरीबन 22-25 पुलिस आ गई DSLR कैमरा लेकर के, और एकदम मतलब ऐसे अग्रेशन में, चलिए आपको अभी चलना होगा, अभी चलना होगा, और सुबह के 8 बजे। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट मुझे ब्रश करने दो, मुझे चेंज करने दो, अब मैं ट्रैक और टी शर्ट में विदाउट इनर तुम्हारे साथ थोड़े चले जाऊंगी, मुझे ब्रश तो करने दो। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रश किया, और जब मैं ब्रश कर रही थी और मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तब भी मेरे बेडरूम में गार्डन रेंज के पुलिस ऑफिसर ने, जो आयो आया था तमंग, उसने 2 लेडीज पुलिस को मेरे बेडरूम में बैठा दिया। मैंने कहा यहां से मैं कहां भागूंगी, और कोई मैं चोर डकैत थोड़ी हूं जो तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो फिर भी वो बहुत अग्रेशन में था, बहुत अग्रेसिव नेचर था उसका, और शायद उसको TMC के विधायक जो है XIPS, उनका भी प्रेशर होगा। तो जो भी उन्होंने किया मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने साइन किया वारंट पर, और फिर मैं उनके साथ निकल पड़ी। अब जब मैं निकल पड़ी तो कोलकाता की तो गलियां, सारी गलियां मुझे पता है, चप्पा चप्पा मुझे पता है। तो वो गाड़ी घुमाए गार्डन रिज की तरफ नहीं घुमा करके, वो वेस्टपोर्ट पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा रहे थे। मैंने कहा ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं, आपका FIR गार्डन रिज का, आप पुलिस ऑफिसर गार्डन रिज के, तो आप मुझे बोला वेस्टपोर्ट लेके जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों लेकर जाइएगा आप मुझे वेस्टपोर्ट, तो नहीं वहां पर आपकी आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा कैसे, यही तो मैंने आपको मेल में किया था, यही बात, सेम बात तो मैंने आपको मेल में कहा था कि आप मुझे गार्डन रिज ना बुला करके कहीं और बुला लीजिए, तो आप तो मुझे रिप्लाई भी नहीं दिए और आप एज ऑफ सडन आप चले आए मुझे अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर वो मुझे वेस्टपोर्ट थाना लेकर के गया है सुबह 9 बजे, 8 बजे मेरे घर से निकला, 9:30 बजे के करीब वेस्टपोर्ट थाना वो पहुंच गया। वहां पर वो चाय पिला रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके बाद फिर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी वेडी किए, और जो मुझे कोर्ट प्रोडक्शन देना चाहिए था उसको 1 बजे वो मुझे कोर्ट ही लेकर के पहुंचा है 2:45। पौने तीन बजे बस उसको कैसे भी करके सनसेट करना था कि सनसेट हो जाएगा तो हम इसको कस्टडी में ले लेंगे, क्योंकि ये वो भी जानता था कि इसको बेल मिल जाएगा, तो इसलिए वो डीले कर रहा था, वो कानून के साथ खेल रहा था। अब जब मैं कोर्ट पहुंची हूं तब मुझे समझ में आया कि ये एंटायर रास्ता किसको कॉल कर रहा था, कर लिया वो काम जो काम करना था, वो कर लिया काम, जो काम होना था वो हो गया। अब मैं उससे पूछ भी रही हूँ कि ये सब तुम किसको बोल रहे हो, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, मैं उससे बार बार पूछ रही हूँ कि तुम, क्योंकि मुझे तो भाई शक हो ही रहा है ना, मैं इस प्रोफेशन से तो कोई दूर नहीं हूं। तो अब वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर जब मैं अलीपुर कोर्ट पहुंची हूं तो भैया लाखों से ऊपर नारेबाजी, नारे तकबीर का नारा, तो भाई सबने जो पूरा ये नारा, एक पूरा जो इस्लामिक जो नारा होता है, जो इस्लामिक कंट्री में ब्लास्फेमी करते वक्त नारा होता है, वो नारा वो सब सब कर रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे जब लॉकअप रूम की तरफ लेकर जाया जा रहा था तो वो दृश्य आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने मिसयूज किया है पावर का,
वो वीडियोस तो काफी वायरल भी हुआ है जिसमें लोगों ने कहा है कि नाजिया ने अच्छा रिप्लाई दिया है। तो मैं अंडर कस्टडी भी, मैं वो लाखों मुसलमानों को अकेले संभाल रही थी, इवन नोइंग फुल्ली वेल कि ये पुलिस ने ही इनको फोन करके बुलाया है। और आज अगर पुलिस का मोबाइल सीज कर लिया जाए, क्योंकि कलकत्ता पुलिस बहुत सारी चीजें डिलीट भी कर देती है, तो अगर सीज किया जाए और अगर सही से इंक्वायरी की जाए तो पता चल जाएगा कि उस भीड़ को जमा करने में कहीं ना कहीं आयोग का हाथ था, बिल्कुल था। और उसके बाद फिर मुझे लेडीज पुलिस ने पूरा खींच करके अंदर ले गई, और उसके बाद विदिन थ्री आवर्स मेरा बेल हुआ है, और बेल में और बेल के ऑर्डर में पुलिस जो आयो ने मुझे अरेस्ट किया था वो तो उसको तो जो झाड़ पड़ी है जज से, जो झाड़ पड़ी है, और साफ लफ्जों में जज ने लिख करके दिया है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट को, आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे नहीं छीन सकते। आपने जो अरेस्ट किया है इसमें आपका ना सीजर लिस्ट सही है, ना आपका बाकी का डॉक्यूमेंट सही है, ना आपके एविडेंसेस सही है, आपको डॉक में खड़ा किया जा रहा है। बीइंग एन आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आप डॉक में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपने ये अरेस्ट कर कैसे लिया? और फिर ज्वाइंट सी पे क्राइम को जज ने फॉरवर्ड किया है उस ऑर्डर को कि आप इस पर देखो कि ये कैसे हो सकता है, और फिर मुझे विद इन थ्री आवर्स बेल मिल गया। लेकिन बेल बॉन्ड साइन करने के बावजूद भी मुझे लॉकअप रूम में ताला बंद कर करके मुझे 4 घंटे और बैठाया गया, जस्ट बिकॉज कि अगर मैं बाहर निकल गई तो मेरा गला सर तन से जुदा हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्रोटेक्शन के नाम पे आपको जेल पे रखा गया? नहीं नहीं, जेल नहीं, वो लॉकअप रूम जो कोर्ट के अंदर होता है उस वहां पर रखा गया। और मतलब पूरा ऑफिसर लोग जो लॉकअप रूम के थे, दे आर वेरी कंसर्न, बहुत अच्छे थे। अलीपुर कोर्ट के लॉकअप रूम के ऑफिसर वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन दिया और दे करके उन्हें कहा कि मैम थोड़ा सा मतलब अंधेरा होने दीजिए, ये भीड़ छटने दीजिए। फिर जो एडवोकेट्स मेरे काउंसिल थे, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने भी आकर के कंटिन्यूअसली 4 घंटा वो लोग भी एक पैर पर खड़े रहे कि नाजिया जब तक भीड़ नहीं हटेगी हम लोग तुमको गाड़ी में नहीं बैठने देंगे। फिर जब भीड़ हटी है, पूरा अंधेरा हुआ है, तब मुझे गाड़ी में बिठाया गया है। तो ये सिचुएशन था मेरे साथ। और उस दिन जो भीड़ इकट्ठा थी उसमें से कुछ तृणमूल कांग्रेस की महिला नेत्री ने कहा है कि मैंने मुसलमान बलात्कारियों का नाम क्यों लिया नेशनल न्यूज पर, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। अब मेरा सवाल यहाँ पर होता है कि पहले भारत के लोगों को डराया जाता था गुस्ताख रसूल की सजा बोल करके सर तन से जुदा, और हजारों लोगों के सर तन से जुदा हुए भी हैं। उसके बाद फिर हमने हालिया में देखा गुस्ताखे बीफ की सजा। अब हम मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर देख लिया कि भाई गुस्ताखे मुसलमान बलात्कारी का नाम लेने की सजा, मतलब मुसलमान बलात्कारी अगर वो मुस्लिम होगा तो हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ये सिनेरियो मेरे साथ हुआ। और जो मतलब एक तो होता है उसको बताना, और एक होता है प्रैक्टिकली अपने ऊपर झिलता हुआ देखना। हाँ। जो भीड़ थी वहां पर वो छोटे छोटे खैची के साथ थी, उसके बाद फिर गन के साथ थी, उसके बाद छुरी के साथ थी, वो पूरा ऊपर से वीडियो मेरे किसी लोग ने किया है, और कर करके मैं जब हाईकोर्ट इसको मूव करूंगी तो वो पूरा वीडियो मैं जमा करूंगी द ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट को मैं बिल्कुल। और नेक्स्ट डेट जो मेरा फेब्रुअरी का हुआ है, मैं लोअर कोर्ट को भी वो पूरा का पूरा वीडियो मैं सबमिट करूंगी, क्योंकि उस वीडियो में जो फैक्ट है, जो वो मॉब आया था, वो एक्चुअली में एक मतलब कोई एक साजिश लेकर के आया था। एंड द सेकंड थिंग इज कि मेरा डाउट है कि ये प्रदर्शन और ये गुस्ताखे रसूल का नारा मेरे लिए पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल कैसे आ गया? तो कहीं ऐसा नहीं कि जो लोगों ने मिलजुल करके मेरे अगेंस्ट में ये सब कुछ किया और जो कोर्ट को प्रूफ भी नहीं कर पाए, ये इनको पाकिस्तान के किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे सामने, एक अभी भी मैं तकरीबन 10 एडवोकेट्स के साथ बैठी हुई थी, 10 से ज्यादा ही थे अगर मेरे जूनियर्स को मैं काउंट कर लेती हूँ तो उससे ज्यादा ही थे, और 4 जो सीनियर मेरे ऑफिसर थे और 4ों कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत जाने माने वकील हैं, उन्होंने मेरे जब पूरे बातों को मैंने बताया और सारी चीजें दिखाई हैं तो उन्होंने कहा कि नाजिया हमें भी शक लग रहा है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की कोई फंडिंग इन लोगों को आई है, क्योंकि एक दूसरे देश में नारा हो रहा था मेरे लिए, एक एक इस्लामिक देश में एक पोस्टर और बैनर जो है वो बना करके उसको स्प्रेड किया जा रहा था, फिर वो नारा पहुंचा तेलंगाना, फिर वो नारा पहुंचा केरला, और केरला के पीएफआई जो स्टैम्प्ड सर्वोच्च न्यायपालिका का स्टैम्प्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से वो नारा निकल करके आया शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान के पास, अंजुम खान से वो नारा चला आया पश्चिम बंगाल में, और फिर मेरी मॉब लिंचिंग का पूरा इंतजाम भी कर दिया गया। तो आखिर इसमें कितने लोग जुड़े हैं और फंडिंग कहाँ से आई, जो 100-150 से ऊपर वकील मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं थे जो मैं 150 वकील खड़ा कर सकती थी, मेरे तो 2 सीनियर खड़े हुए थे और 3 जूनियर जो मेरे खुद के हैं वो खड़े हुए थे। मैं तो कोई लाखों करोड़ों रुपए का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल अपने लिए खड़ा नहीं करवा सकती थी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ भाई। तो कहाँ 150-200 वकील मेरे विरोध में, और कहाँ मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 सीनियर, दैट्स इट। और ये कोर्ट को भी पता है और कोर्ट के पास प्रूफ भी है कि मेरे 3 ही सीनियर ने सिग्नेचर भी किया। तो ये 150-200 वकील खड़ा करना, इतना बड़ा मॉब इकट्ठा करना, कंटिन्यूअसली सारे थाना में जा करके FIR करवाना, तो हर एक स्टेप कानूनी जवाब लेते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो ये पैसा आया कहाँ से, ये भी बहुत बड़ा सवाल है मेरे सामने। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लायक खान जी का दमदार, बेबाक और एकदम बिंदास अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और नाज़िया खान जी की सपोर्ट में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इंपॉर्टेंट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।